हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज आपको मैं दिखाऊंगा सेल्टोस। ये है बेस वेरिएंट, पीछे खड़ी है एचटीके वेरिएंट में ऑटो एडजस्टेबल मिरर आते हैं, फोल्डिंग नहीं आते, तो वो हमने इंस्टॉल करें, सीट कवर इंटीरियर करा है। ये देखते हैं, ये है भाई बिल्कुल बेस वेरिएंट, जो कि हम रिकमेंड करते हैं आप लोग खरीदें बेस वेरिएंट। बिल्कुल ई वेरिएंट आप लोगों ने लेना है, जो कि एचटीई आता है, बेस वेरिएंट लें। काम मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले डीआरएल लगेगी, हेडलाइट में एलईडीज लगेगी, अपना पार्किंग लाइट चेंज होगी, येलो से व्हाइट होगी। बेस वेरिएंट के अंदर फॉग लाइट नहीं आती, तो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया 3 इंच का बेजल, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, प्लग एंड प्ले पूरा का पूरा रहता है। तो ये देखो बिल्कुल 00 फिटमेंट में हो गया। अभी इसमें प्रोजेक्टर लगाएंगे 3 इंच का, फाइनल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। साइड में आते हैं तो हम लोगों ने पूरा ये चेंज कर दिया है, पेंट करके मैच करा है, कलर देख सकते हैं दोनों ही सिल्वर कलर में एज इट इज मैच करा है चेसी नंबर से। तो ये हम लोगों ने फ्रेश मिरर ऑटो फोल्डिंग इंस्टॉल करें, कोई लॉट वाला सामान नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा आप लोगों को, फुल्ली पैक्ड मिरर मिलेंगे। अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर इसमें स्क्रीन अभी नहीं लगाई है क्योंकि साउंड सिस्टम एक साथ होगा पूरा, डैम्पिंग साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, बूफर और स्क्रीन, वो सब एक साथ होगा। बाकी यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल दोनों अभी लगा देंगे क्योंकि स्टेयरिंग खुला था, बाकी ग्लोसी ग्लोसी हुआ है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ जब पैक हो जाएगी। कवर भाई बकेट हो रहे हैं पूरे, इस तरीके से करते हैं हम लोग पूरा का पूरा, और फिनिश प्रोडक्ट आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिलेगा, देख सकते हैं पूरी फिटमेंट हो चुकी है। पूरा अंदर की साइड जो बकेट करते हैं पूरा पंच हो जाता है अंदर, उसके बाद इस तरीके से एक्स्ट्रा कुशनिंग फोमिंग के साथ। इधर देख सकते हैं हाई डेंसिटी फोम होती है हमारी वाली, ये ब्लैक वाली, वो हम लोगों ने पूरी इसमें इंस्टॉल करी है, ठीक है। बाकी अभी इसके अंदर ऊपर हेडरेस्ट की कटआउट निकालेंगे। सेंटर पोर्शन देख सकते हैं पूरा हम लोगों ने, जो क्रेटा के अंदर डिजाइन आता है ना सेंटर वाला, वो पूरा सेंटर डिजाइन दिया। बाकी जो डिजाइन है ओवरऑल वो सेल्टोस का डिजाइन रखा है यहाँ पे। बाकी परफोरेटेड यूज करा है वेंटिलेशन के लिए। तो ये तो सीट की लुक है, बाकी सीट देखो फिटमेंट कर रहे हैं भाई किस तरीके से पूरा, इसको भी पूरा फिनिश करेंगे बकेट बना के, और पूरा उसके बाद आप लोगों को पहले फैब्रिक आते हैं कंपनी से इस तरीके की, बिल्कुल बोरिंग बेकार लगती है। अब देखो पीछे मैगजीन होल्डर भी आ गया, स्पेस भी काफी अच्छी खासी आ गई और पूरी सीट भी रेडी कर दी है। सो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ फॉग लाइट्स। अब सबसे पहले अगर आप इतने एरिया को पोर्शन को फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमने फॉग लाइट इंस्टॉल करी है प्योर बेजल के साथ 00 फिटिंग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करी है। साथ में यहाँ पे जो है हम लोगों ने 3 इंची का फॉग लाइट प्रोजेक्टर इंस्टॉल करा है, जिसमें 240 वॉट की एलईडी है। अगर आप इनबिल्ट एलईडी वाले प्रोजेक्टर फॉग लाइट लेते हैं तो 6,500 रुपये से हमारे पास रेडी मिलती है। अब ये 3.5 इंची का है, फोकस बहुत औसम आने वाला है, ऊपर भी हमने 240 वॉट इंस्टॉल करी है और हम लोगों ने पार्किंग लाइट भी इंस्टॉल करी है। जो फ्रंट साइड में हमारा फोकस आएगा आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये सिर्फ फॉग लाइट्स है और ये हमारी हेडलाइट है। अब हेडलाइट का थोड़ा आपको जो इस पोर्शन में कम लग रहा है, ये पोर्शन का रीजन ये है कि जो इसके लेंस आते हैं कंपनी के लेंस आते हैं वो ब्लर्ड होते हैं, हम जो लेंस लगाते हैं वो क्लियर होते हैं, तो क्लियर लेंस में लाइट हमेशा ज़्यादा आती है। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा है फॉग लाइट को, और हमारी लेवलिंग भी देख सकते हैं, पूरा जो हट बनने वाला एरिया वो पूरा बन रहा है। मैं आप लोगों को हेडलाइट ऑफ करके दिखाता हूँ एक बारी, तो ये देखें जो हमारा हट बन रहा है, लेवलिंग पूरी ओके कर रखी है। आप लोगों को लो बीम दिखा देता हूँ, ये लो बीम है हेडलाइट की और ये हमारी हाई बीम है हेडलाइट की। तो कलर डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ लेंस, यहाँ से देख सकते हैं जो लेंस कंपनी लगा के देती है वो हमेशा ब्लर्ड होते हैं और अंदर उसके अंदर पैटर्न होते हैं। ये कैमरे में कितना जस्टिस हो रहा है नहीं पता, आप अपनी गाड़ी में लाइव देखना एक बारी। और जो हमने इंस्टॉल करा है देखो बिल्कुल अंदर से क्लियर है, तो क्लियर के अंदर हमेशा लाइट का थ्रो ज़्यादा होगा। अगर आप मारुति की गाड़ी लेते हैं, मारुति में कंपनी से ही क्लियर लेंस आते हैं, बट ह्यूंडई की हमें ब्लर्ड लेंस आते हैं हमेशा से। तो इसमें ब्लर्ड है, इसमें क्लियर है, ग्लॉसी ये करा है, ग्लॉसी अपनी टाइगर नोज ग्रिल करी है हमने कंप्लीट, पूरी की पूरी पूरी ग्लॉसी के अंदर रेडी करी गई है फ्रंट साइड से। ये पूरा अपना रेडी है, ये हमने पूरा सेटअप वाइट कर दिया जबरदस्त तरीके से, और इसको हम क्लेम कर सकते हैं ब्राइटेस्ट सेल्टोस इन इंडिया, क्योंकि इससे ज्यादा ब्राइटेस्ट वाली सेल्टोस आप लोगों को नहीं मिलेगी। 240 का कॉम्बो, इसमें ऑलमोस्ट 500 वॉट की एलईडी डिस्प्ले हो रही है और उसके साथ साथ बेजल भी लगा हुआ है, फिटमेंट प्रॉपर है, कोई एडिशनल लाइट नहीं लगी हुई है। तो ओईएम के अंदर सबसे ब्राइटेस्ट सेल्टोस अभी तक की अगर आप पूरे इंडिया में सर्च करेंगे तो यही वाली। साइड पोर्शन में आते हैं तो ऑटो फोल्डिंग मिरर है वन टच स्विच के साथ में, जिसमें आप लोगों को इंडिकेटर का फंक्शन मिल जाएगा। इंडिकेटर पहले यहाँ था, हम लोगों ने ह्यूंडई का जेन्युइन साइड वेंट इसमें इंस्टॉल कर दिया है, साथ ही साथ इंडिकेटर इंस्टॉल कर दिए ऑटो फोल्डिंग वाले, ऑटो एडजस्टेबल वाले। बॉडी पेंट मैच हो चुका है इसका, अलॉय व्हील फ्यूचर के अंदर अभी है, देखेंगे उसको क्या करना है। लोअर गार्निश 6 पीस के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, 1, 2, 3 डोर वाइजर इसमें नहीं लगे हैं, रूफ रेल इसमें इंस्टॉल हुई है। अगली चीज यहाँ पे नीचे साइड फिटिंग क्रोम वाली ओरिजिनल इस तरीके का आप लोगों को मिल जाएगा विद 15% डिस्काउंट। तो ये ओरिजिनल रहती है इस तरीके की, ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर आ जाता है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगी बॉडी साइड मोल्डिंग। तो ये हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर दिया नीचे की साइड पे, बैक साइड पे इसमें बहुत सारी चीजें हो रखी है, जैसे कि अपना इंडिकेटर वाला फंक्शन काम करेगा पूरा टेल लाइट के साथ में। ये इंडिकेटर पहले से आता है, ये हम लोगों ने इंस्टॉल करा टेल लाइट के अंदर। रिफ्लेक्टर अभी इसके अवेलेबल नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन आता है इंडिकेटर का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डमी है, ये देख सकते हैं अंदर सिल्वर कलर की लाइनिंग है खाली, पीछे से कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, डमी है पूरा का पूरा। ये हम लोगों ने पूरी टेल लाइट चेंज करके इसमें इंस्टॉल कर दी है,
तो पूरा टेल लाइट चेंज करना पड़ता है इसके लिए। अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अंदर इसके अंदर हम लोगों ने पार्सल ट्रे इंस्टॉल करी है, पार्सल ट्रे आफ्टर मार्केट पार्सल ट्रे में ये डमी पैनल इंस्टॉल होता है, इस साइड भी और इस साइड भी, और उसके बाद ये डमी जो है इसके ऊपर लग जाता है। तो ये आफ्टर मार्केट ट्रे है, इसके अंदर ओरिजिनल ट्रे का चेंज करने के लिए ये पैनल पूरा चेंज होगा इसके साथ, वो काफी कॉस्टली पड़ता है, ये भी पूरा पैनल चेंज होगा इसके साथ। तो ये खाली ऊपर का पोर्शन आफ्टर मार्केट में डमी बना हुआ है, रेडी है, बिल्कुल लगाए इस तरीके से आप लोगों की फिटमेंट हो जाती है, ओरिजिनल तरीके से वर्किंग रहेगा। इसको आप थ्रेड को ऊपर भी लगा सकते हैं, ये ऊपर लगाने के बाद जैसे आप लोगों का ओरिजिनल प्ले प्लग एंड प्ले चलता है सेम एज इट इज, जब आप डिग्गी खोलेंगे ये ऊपर आ जाएगा, जब डिग्गी बंद करेंगे ऑटोमेटिकली चला जाएगा अंदर की साइड पे, ठीक है। तो यही भाई बाहर के लिए, अब लेके चलता हूँ आप लोगों को अंदर इंटीरियर में, क्योंकि इंटीरियर में कुछ खास है आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ हम लोगों ने इंस्टॉल करा इसके अंदर। तो अंदर चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हमारी लेदर पैडिंग मिल जाएगी, 00 फिटमेंट के अंदर सारी चीज आएगी, डुअल स्टिचिंग पूरी की पूरी मिलेगी यहाँ पे, वो भी पैरेलल, कहीं आप लोगों को ऊपर नीचे धागा सिलाई नहीं मिलेगी। ऊपर वाला पैनल हम लोगों ने हाइड्रो डिपेंड करके ग्लॉसी करा है, ये मैट आता है, ये भी हम लोगों ने हाइड्रो डिपेंड करके ग्लॉसी करा है, ये भी मैट आता है। ऑटो फोल्डिंग स्विच वन टच, ठीक है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो अपना ये जो है अपनी प्लेस पे वापस आएगा, ऐसा नहीं है ये इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट दो बोथ साइड एडजस्टमेंट हम लोगों ने इंस्टॉल करी है, फोर वे एडजस्टमेंट है, अगर इसको नीचे करते हैं, नीचे ऊपर राइट और ये लेफ्ट, तो फोर वे एडजस्टमेंट प्रॉपर इसके अंदर पूरी फंक्शन करेगी। अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को स्टीरियो साउंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बाद में करेंगे तो बाद में ही होगा। स्टीयरिंग कंट्रोल ओरिजिनल विद ग्लॉसी फ्रेम, ये ग्लॉसी फ्रेम अभी हम लोगों ने रेडी करा है, इसको पूरा का पूरा हाइड्रो डिप करा है सारे सामान के साथ में, ठीक है। क्रूज कंट्रोल दिखाता हूँ, देखो यहाँ लिखा है कंडीशन डजंट मैट, ठीक है। जब आप 30 से ऊपर जाएंगे आप क्रूज ऑन करेंगे, आप लोगों ने ये बटन प्रेस करना है, स्पीड कम करनी है ज़्यादा करना है, स्पीड आपकी यहीं से चलेगी। पॉज प्ले करो, पूरा फंक्शन ओरिजिनल किया का पार्ट जेन्युइन इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। डैशबोर्ड की फिटमेंट 00 में फिट करके ये वाला इंस्टॉल करा है, ये वाला पैनल ग्लॉसी नहीं आता है, मैट आता है बेस वेरिएंट में, ये पूरा ग्लॉसी करा है, ये ग्लॉसी कंपनी से आता है स्टीरियो का, ये वाला ग्लॉसी कंपनी से आता है स्टीरियो का, और ये जो है हम लोगों ने नीचे की साइड पूरा का पूरा इसको ग्लॉसी के साथ रेडी करा है, अभी इसमें ये नहीं लगा है, बाद में लगा देंगे। गियर नॉब ओरिजिनल लगाए, देख सकते हैं पूरा का पूरा ओरिजिनल अपना गियर नॉब विद ग्लास, अपना ग्लास टच, पूरा ग्लास टच आता है, सिल्वर बाउंड्री आती है, लेदर लगा हुआ होता है साइड में, पूरा का पूरा गियर नॉब चेंज कर दिया है। साइड में जो पूरा कंसोल होता है, कंसोल एरिया के अंदर पूरा ग्लॉसी करा है, मिरर फिनिश, मिरर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अपना कंपनी से आता है, ये हम लोगों ने करा है। तो ये पूरा का पूरा ग्लॉसी का लेवल चेकआउट कर सकते हैं, A1 आएगा, और पूरा डोर भी अगर आउटपुट चेक करेंगे, पूरे डोर के अंदर हम लोगों ने ग्लॉसी एंड लेदर टच करा है कंप्लीट। नीचे की साइड फ्लोरिंग करी है पूरी कंप्लीट, फ्लोरिंग के अंदर भी डाई वाली करी है, कहीं से कोई कटिंग या स्टिचिंग नहीं है। आप इसमें पानी डालें, मिट्टी डालें, कुछ भी डालें, जो भी डालेंगे अपना साफ करें कूड़ा वूड़ा ऐसे करके, और पानी जो है अंदर नहीं जाएगा, नट टू नट आएगा पूरा आपका, बम्प टू बम्प आएगा पूरा A to Z सिंगल पीस के अंदर। कारपेट फ्लोरिंग इंस्टॉल करी है, IMT वेरियंट है, क्लच अवेलेबल नहीं है, रेज एंड ब्रेक ओनली मिलते हैं इसके अंदर। सीट कवर मैं आप लोगों को दिखा चुका था, अब फिटमेंट के बाद अभी पीछे के लगा रहे हैं हम लोग, पीछे के लगाने से पहले आप लोगों को आगे के दिखा देता हूँ। ओरिजिनल क्रेटा डिज़ाइन, सेल्टोस क्रेटा मिक्स डिज़ाइन हम लोगों ने रेडी करा है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सेंटर पोर्शन जो है ये क्रेटा का है, और बाकी पोर्शन जो है वो सेल्टोस का है। तो इस तरीके से पूरा डिज़ाइन रेडी करा है, तो ओवरऑल जो लुक है इंटीरियर की वो कुछ इस तरीके से, बाकी सिस्टम का भी कंप्लीट करेंगे। और ये स्टीयरिंग लास्ट में रह गया था भाई, ये जिगजैग हुआ है, ब्लैक कलर है तो नोटिस नहीं हुआ, तो ये ब्लैक कलर के अंदर पूरा का पूरा जिगजैग रेडी करा है। तो ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक के अंदर ही है, तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा, बट जैसे टर्बो के अंदर आता है हायर वेरिएंट में आता है ना जिगजैग, आपको भी नहीं पता चला होगा वीडियो में, इन बिटवीन की स्टीयरिंग रैप हो रखा है, बट प्रॉपर लेदर स्टीयरिंग रैप हो रखा है, देख सकते हैं क्वालिटी लेदर की, बिल्कुल फिट एंड फिनिश ओके है। बाकी यहाँ से अंदर से देख सकते हैं, ठीक है भाई, ये पूरा कंप्लीटेड है अपना,